आज हमारे कौमी हीरो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की खसूसी दावत पर खसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इनके साथ इनकी अहलिया, इनकी वालदा, इनके भाई, इनके कोच बट साहेब और इनके फैमिली मेंबर साथ हैं। और वज़ीर आज़म साहब का ये ख्वाहिश थी कि स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाए, तो आज ये खसूसी तैयारे पर जब लैंड किए हैं PF एयरबेस नूर खान पे, वहाँ पे एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने, काबीना के मेम्बरान ने रिसीव किया और आज हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि कौमी हीरो कैपिटल में पहुँचे इस्लामाबाद में। आज वज़ीर आज़म ने इनके एजाज़ में स्टेट बैंक्वेट रखा है और कल 14 अगस्त की तकरीब जो मरकजी तकरीब है उसमें वज़ीर आज़म और अरशद नदीम साहब परचम कुशाई मिल के करेंगे। और इसके बाद इनका इंशाल्लाह ताला दौरा होगा पेशावर का, कराची का, जहां पर ये 14 अगस्त की जो तकारीब हैं उसमें हिस्सा लेंगे। और हम इनके शुक्र गुज़ार हैं कि इन्होंने वज़ीर आज़म साहब की दावत कबूल की और ये इस्लामाबाद जहां पे तशरीफ़ लाए। ये जो स्टेट गेस्ट का ऑनर है, मैं समझता हूं कि जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है इसके लिए बहुत छोटा है। ये एक हकीर खिदमत है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें कौमी हीरो की जो इज्जत है वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए। और 14 अगस्त के मौके पर आए हैं तो अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया, बट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली साथ आई है, आप हमारे मेहमान हैं और पूरी कौम उसका सर फख्र से बुलंद है। और इस 14 अगस्त के मौके पे जहां यौम आज़ादी मना रहे हैं वो आपकी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पेरिस में सबसे लाली परचम आपने सबसे ऊंचा बुलंद किया और ये अल्लाह ताला ने आपको क्रेडिट दिया इस चीज़ का। अच्छे भाई आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अपने वालदैन का और उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, बल्कि गोल्ड मेडल से नहीं, पेरिस ओलंपिक्स गेम का मैंने न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। अगर देखा जाए तो इसके पीछे बड़ी हमारी मेहनत है। जैसा कि मैंने 2012 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यूथ फेस्टिवल करवाया तो पहला कंपटीशन मैंने वहाँ पे खेला था। मैंने जैवलिन थ्रो भी किया, शॉटपुट भी किया, डिस्कस थ्रो की, हैमर थ्रो किया, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और 100-200 मैंने माशाल्लाह दौड़ भी लगाई, तो काफ़ी मैंने वहाँ से मेडल जीते। और सेकंड दफ़ा जब यूथ फेस्टिवल हुआ 2014 में तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इवेंट्स जीते। तो अगर देखा जाए तो ये 2012 में जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यूथ फेस्टिवल करवाया था तो ये पौधा समय लेके वहाँ पे लगा था, तो आज अल्लाह का शुक्र है आप सब की दुआओं से ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह और आगे जाऊँगा। और इसमें अगर देखा जाए तो बड़ी मेहनत है। 2012 में जो मेरे बेसिक उस्ताद थे रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने माशाल्लाह आल पंजाब मुझे विन करवाया। और उसके बाद मैंने 2015 में वापडा लेस्को ज्वाइन की और मैं वापडा लेस्को का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जॉब दी है, बल्कि मुझे नहीं, हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी है। तो मेरे ख्याल में अगर जितने भी हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल हैं, ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको जॉब दें तो वहाँ से फिर ये हौसला अफजाई होती है एक प्लेयर की, तो वहाँ से वो अपना गेम का स्टार्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2015 में जब जो मैंने ज्वाइन की वापडा लेस्को तो फयाज हुसैन बुखारी साहब माशाल्लाह उन्होंने कोचिंग की मेरी, तो उन्होंने 2015 से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स का माशाल्लाह उन्होंने सफ़र तय करवाया और उसमें मैंने एशिया भी मेडल जीते और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का भी मेडल जीता। लेकिन जो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद वो ये है कि मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर मेरी परवरिश की। रात दिन हमने मेहनत की टोक्यो ओलंपिक्स के बाद
मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया और मैंने फिगर तोड़ा 90 प्लस का, और उसके बाद मैंने वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, और एक साल पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई हंगरी बुडापेस्ट में, वहाँ पे हमने ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि हमने वर्ल्ड में मेडल जीता, सिल्वर हुआ था मैं। और उनके साथ साथ मुझे इंजरी भी रही, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब का, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया, रिहैब भी हमने की। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 6 अगस्त को जब क्वालिफाई राउंड हुआ तो मैंने पहली थ्रो पे क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा फाइनल में। तो वही हुआ कि जैसे कि आप सब ने देखा, मेरी माशाल्लाह फीलिंग इतनी अच्छी थी, मैंने जब पहली थ्रो की तो मेरा रनअप ख़राब हुआ, क्योंकि फीलिंग बड़ी अच्छी थी कि इंशाल्लाह बड़ी थ्रो करनी है। तो बस मेरे ख्याल में पहली जो थ्रो थी वो किस्मत में नहीं थी, तो मैंने खुद ही वो फाउल कर दी, और सेकंड जब थ्रो मैंने की तो मैंने कहा इंशाल्लाह अभी जो है ना वो थ्रो बेस्ट भी करनी है और रनअप को भी बेहतर करना है। तो रनअप अल्लाह ताला ने बेहतर करवाया, तो अल्लाह ताला ने सेकंड थ्रो जो है वो 92.97 मीटर थ्रो की, तो अल्लाह ताला ने उसी थ्रो पे हमें इज्जत दे दी। और जब मैं थ्रो करके कोच साहब के पास गया, आसमान कुमार भट्ट साहब के पास, तो सर बड़े खुश थे और ये कह रहे थे इंशाल्लाह हमारा जो 90-95% इंशाल्लाह गोल्ड है। और मैंने कहा सर आप दुआ करें और कि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे किस्मत में नहीं था, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दे दी, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रगुजार करूँ उतना ही कम है। तो अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा, फिर ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो जैसे वापस वतन पहुँचा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया मेरा लाहौर एयरपोर्ट पर, बल्कि जहाँ जहाँ से गुजरता गया पूरी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत दी, और जो हमने मेहनत की थी वो मेहनत का फल जो है ना वो पाकिस्तानी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया और अभी तक भी दे रही है। तो अगर देखा जाए तो इसमें आज मैडम मरियम नवाज साहबा आई थी हमारे गांव में, तो माशाल्लाह गांव वाले इतने खुश थे, इतने खुश थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत दी हमें, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे उन्होंने प्राइज़ भी दिया, हौसला अफजाई भी की, इतनी इज्जत दी कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने इतनी इज्जत दी है। तो उसके बाद फिर हम रवाना हुए इधर इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं अपना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, इधर मुझे बुलाया, और मेरी फैमिली माशाल्लाह साथ हैं और अम्मी मेरे साथ हैं, बड़ी माशाल्लाह खुश हो रही थी, वो कह रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अचीवमेंट दी है। तो आज पाकिस्तानी कौम ने, वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी पूरी टीम ने इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है कि मेरे ख्याल में ये मेडल से भी ज़्यादा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब इज्जत दे रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीएम साहब का, सीएम साहब का, बल्कि पूरे पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कम्पिटिशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा, और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इसी तरह मेडल जीता रहूँगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, इसमें मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, एथलेटिक फेडरेशन का और अपनी वापडा लैसको का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी दुआओं से, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दुआएं की, मेरा साथ दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, और अगस्त का महीना है और कल 14 अगस्त है, तो इंशाल्लाह हम इस मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं जी, अरशद साहब ने मेहरबानी की है, ये आज आज़ादी फेस्ट जो F9 पार्क इस्लामाबाद में हो रहा है,
वहाँ पे भी ये जलवा अफरोज होंगे, वहाँ पे ये मौजूद होंगे, उस कॉन्सर्ट में भी शरीक होंगे और वहाँ पे ये लोगों को थोड़ा बताएंगे भी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। तो आज़ादी फेस्ट वाला ओकेजन भी इन्होंने ग्रेस करना है और इनके हम शुक्र गुजार हैं कि ये तमाम 14 अगस्त की तकारीब में ये वहाँ पे मौजूद होके पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करेंगे जिस तरह इन्होंने पेरिस में किया था।